हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है, ग्लैंड्स क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, हॉर्मोन्स क्या होते हैं, उनका काम क्या होता है और एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर कौन कौन सी ग्लैंड्स आती हैं, उनके क्या लोकेशन है और क्या फंक्शन है, ये सब कुछ आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम बहुत सारी ग्लैंड्स से मिलकर के बना हुआ एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हॉर्मोन्स को रिलीज करती हैं, जो कि हमारी बॉडी के फंक्शनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब ये ग्लैंड्स क्या होती हैं? तो ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि कुछ केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं। ग्लैंड्स दो टाइप की होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इस वीडियो में क्योंकि हम सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, इस वजह से हम सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में ही बात करेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात नहीं करेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो केमिकल सब्सटेंस रिलीज करती हैं, उसे हम हार्मोन बोलते हैं। हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन्स ऐसे केमिकल मैसेंजर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात यहाँ पर क्यों की, जबकि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम तो नर्वस सिस्टम करता है। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो प्राइमरी रोल है वो नर्वस सिस्टम ही प्ले करता है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सेकेंडरी रोल प्ले करता है, कुछ इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो ये तो मेजर डिफरेंस है जो कि मैंने आपको अभी समझने के लिए बोला। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम में, जिस पर मैं अलग से एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, वो देख करके आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम एंडोक्राइन सिस्टम पर फोकस करते हैं। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया? मैंने बताया कि एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है। ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, किसके थ्रू? ग्लैंड्स के थ्रू। ग्लैंड्स क्या करती हैं? हॉर्मोन्स रिलीज करती हैं। हॉर्मोन्स का क्या काम होता है? इन्हें हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रीट करती हैं, जो कि डायरेक्टली ब्लड में अब्सॉर्ब हो जाते हैं और ब्लड उन्हें थ्रू आउट द बॉडी कैरी करके ले जाता है जहां जहां भी रिक्वायरमेंट होती है। तो बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, लेकिन कुछ मेजर ग्लैंड्स के बारे में ही हम पढ़ेंगे, जिनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं ये? सबसे पहली है पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, पैंक्रियास और सेक्स ग्लैंड्स। तो वन बाय वन इन सभी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड की। पिट्यूटरी ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स में सबसे छोटी ग्लैंड होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन क्या है? ये हमारी क्रैनियल कैविटी में, मतलब ब्रेन वाला जो पार्ट होता है हमारा, उसके अंदर होती है और हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या होता है? ये हमारे बॉडी के अंदर दूसरी जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल करती है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं होगी तो दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी फंक्शन नहीं कर पाएंगी। और पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। तो अब आप कनेक्ट करके देख रहे हैं, मैंने क्या बताया था? नर्वस सिस्टम का प्राइमरी रोल होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, और एंडोक्राइन सिस्टम का सेकेंडरी रोल होता है। तो नर्वस सिस्टम ने पहले नर्व इम्पल्स जनरेट किए जब भी हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट हुई, और पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होने के बाद दूसरी ग्लैंड्स भी एक्टिवेट हो पाई, और जब भी हमारे एंडोक्राइन सिस्टम ने काम किया। ठीक है, तो आप रिलेट करके देख पा रहे होंगे। और क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड दूसरी सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, इस वजह से इसे हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। दूसरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करने के अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड का और क्या क्या फंक्शन होता है? तो ये हमारी ग्रोथ को कंट्रोल करती है, हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारा सेक्सुअल मैच्योरेशन, रिप्रोडक्शन, ब्लड प्रेशर वगैरह वगैरह, इस टाइप के बहुत सारे फंक्शंस कंट्रोल करती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। अब बात करते हैं हम अगली ग्लैंड की, जो कि है पीनियल ग्लैंड, या कुछ लोग इसे पाइनियल ग्लैंड भी बोल देते हैं। इसके अलावा पीनियल ग्लैंड को हम थर्ड आई भी बोलते हैं। ये हमारी क्रैनियल कैविटी में, मतलब ब्रेन के अंदर ही होती है, एपिथैलामस में, जहां हमारे ब्रेन के दो हाल्व्स एक दूसरे से जॉइन होते हैं, वहां पर इसकी लोकेशन होती है। फंक्शन क्या होता है इसका? इसका फंक्शन होता है मेलाटोनिन हार्मोन को रिलीज करना। मेलाटोनिन हार्मोन क्या है? स्लीप हार्मोन भी हम इसे बोलते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का जो सर्केडियन रिदम है वो कंट्रोल होता है। अब ये सर्केडियन रिदम क्या है? तो सर्केडियन रिदम हमारी बॉडी के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, उसे हम बोलते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों की आदत होती है वो देर से ही सोते हैं, कुछ लोग जल्दी ही सोते हैं। अब अगर कोई डेली लेट सोता है और आप उसे जल्दी सोने को बोलें, तो बेड पर लेट कर भी उसे नींद नहीं आएगी, क्योंकि उसकी बॉडी की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो उस टाइप से ही सेट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपने सर्केडियन रिदम को बिल्कुल भी नहीं बदल सकते, ग्रेजुअली हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं धीरे धीरे। आगे बात करते हैं हम थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी के लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। लोकेशन क्या होती है थायराइड ग्लैंड की? ये लोकेटेड होती है हमारी नेक में,
नेक में किस जगह? ट्रेकिया के आगे और लैरिंग्स के ठीक नीचे, जैसा कि आपको इस इमेज में दिख रहा है। थायराइड ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है? तो इसका फंक्शन होता है हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, मतलब हमारा जो डाइजेशन होता है उसको कंट्रोल करना। थायराइड ग्लैंड की माल फंक्शनिंग में एक डिजीज हमें हो जाती है जिसे हम गोइटर बोलते हैं। जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, एक गोइटर डिजीज के पेशेंट की नेक कैसी दिखती है। अब बात करते हैं हम पैराथायरॉइड ग्लैंड की। पैराथायरॉइड ग्लैंड की लोकेशन कहाँ होती है? ये थायरॉइड ग्लैंड के पोस्टीरियर सरफेस में होती है। फंक्शन क्या होता है इसका? ये हमारे ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करती है बाय स्टिमुलेटिंग बोन ब्रेकडाउन। और अगर पैराथायरॉइड हार्मोन बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में बनने लगता है तो उससे क्या होता है? हमारा बोन मास कम होने लगता है। अब बात करते हैं हम एड्रेनल ग्लैंड की। लोकेशन क्या होती है एड्रेनल ग्लैंड की? ये हमारे किडनीज के टॉप सरफेस पर होती हैं, एक कैप की तरह। जैसे पेन के ऊपर कैप होता है, कुछ ऐसे ही एड्रेनल ग्लैंड्स हमारी किडनीज के ऊपर होती हैं। इनका काम क्या होता है? तो ये बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। अगर कुछ मेजर फंक्शंस की बात की जाए तो वो है हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करती है ये। स्केलेटल मसल्स में जो ब्लड फ्लो होता है उसको इंक्रीज करती है। हमारे हार्ट रेट को और हार्ट की जो कॉन्ट्रेक्शन एबिलिटी है उसको इंक्रीज करती है। इसके अलावा ऑक्सीजन कंजम्पशन को भी ये इंक्रीज करती है एड्रेनल ग्लैंड्स। अब बात करते हैं हम पैंक्रियास की। तो स्टूडेंट्स, पैंक्रियास एक स्पेशल टाइप की ग्लैंड होती है। कैसी ग्लैंड? ये मिक्स्ड ग्लैंड होती है, मतलब ये एंडोक्राइन फंक्शंस भी परफॉर्म करती है और एक्सोक्राइन फंक्शंस भी परफॉर्म करती है। तो क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में स्टडी कर रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ पैंक्रियास के एंडोक्राइन फंक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे। लोकेशन क्या है पैंक्रियास की? तो ये हमारे स्टमक के थोड़ी डाउन होती है। और अगर पैंक्रियास के एंडोक्राइन फंक्शन की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जिन्हें हम आइलेट्स ऑफ लैंग्रेहंस बोलते हैं। कौन कौन से सेल्स हैं? अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स और पॉलीपेप्टाइड सेल्स। जो इम्पोर्टेंट हैं वो अल्फा और बीटा सेल हैं, इसलिए हम इनके बारे में ही पढ़ेंगे। अल्फा सेल्स क्या करते हैं? ये एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसका नाम है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या करता है? हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। और बीटा सेल्स क्या करते हैं? बीटा सेल्स एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसे बोलते हैं इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनकी बॉडी में इंसुलिन कम प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो ये सब कुछ कौन कंट्रोल करता है? पैंक्रियास ग्लैंड कंट्रोल करती है। अब बात करते हैं हम अपने लास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, जो कि हैं सेक्स ग्लैंड्स। लोकेशन क्या होती है सेक्स ग्लैंड्स की? पेल्विक कैविटी में ये होती हैं। फंक्शन क्या है? अगर बात की जाए मेल्स की, तो मेल्स में टेस्टिस होते हैं जो कि सिक्रीट करती हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को, जो कि मेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करते हैं। जबकि अगर फीमेल सेक्स ग्लैंड्स की बात की जाए तो उनमें ओवरीज होती हैं जो कि सिक्रीट करती हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो कि हेल्प करती हैं फीमेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आई होप एंडोक्राइन सिस्टम आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं इसी तरह की किसी नई वीडियो में।